बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर परिषद में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में की गई अनियमितता किसी भी प्रकार से गले नहीं उतर रही है। नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा किस तरह से 30 फरवरी की तारीख में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकारे जा रहे, जिसे देखकर आप सभी को आश्चर्य होगा। जब इस बारे में शाहपुर नगर परिषद के सीएमओ के बयान लिए गए तो उनका जवाब भी गैर जिम्मेदाराना रहा। उनका कहना पड़ता है कि छोटे मोटे कार्यों के दस्तावेज हम बिना देखे ही साइन कर देते हैं, आप भी इसे इतनी गंभीरता से नहीं ले। तो सर उसमें से तारीख जो थी वो क्लियर 30/2 थी, जबकि 30/2 कभी भविष्य में आती ही नहीं है। काम का बोझ काफी होता है, स्वाभाविक है कि उसने जल्दबाजी में लिखा गया होगा, बाद में 30/3 का दूसरा प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया जाएगा संशोधन। अच्छा, 30/2 वाले में आपके भी सिग्नेचर थे? हाँ है। तो क्या आपने भी चेक नहीं किया कि इसमें डेट गलत डली है? स्वाभाविक कि उसे डॉक्यूमेंट आप आते हैं, अब आप आपका प्रमाण पत्र दे दो, इसको इतना बारीकी से देखा नहीं जाता है। मामला यही नहीं रुकता। आवेदनकर्ता शेख शब्बीर ने बताया कि उनके द्वारा शाहपुर के एक वकील को जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन तैयार करने को कहा था, तो वकील साहब ने भी इस फर्जी कार्य में अपनी संलिप्तता दिखाते हुए 30 फरवरी को बच्ची का जन्म होना बताते हुए स्टैंप पेपर पर नोटरी करवा दिए, जबकि नियमानुसार नोटरी के वक्त आवेदनकर्ता को नोटरी वकील के सामने खड़ा होना जरूरी है। प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन किया गया था? हाँ, मैंने किया सर। उसके जो दस्तावेज है वो आपके द्वारा तैयार किए गए हैं कि आपके वकील द्वारा तैयार किए गए? दस्तावेज तो मतलब हमने तैयार किए घर पे, जैसा नहीं दस्तावेज बोलो तो स्टाम्प वगैरह लाने? नहीं, स्टाम्प वगैरह वो तीनों वकील के द्वारा, वकील साहब ने किए थे। उस पर जो नोटरी होती है तो वो नोटरी करने आप गए थे वहाँ पर कोर्ट में? मैं कोर्ट में नहीं गया। आप नहीं गए? वो घर पे उन्होंने साइन लिए मेरे से। अच्छा, ये बताए आप कि आपका नाम क्या बताइए? शेख शब्बीर। अब इसे हम फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करना कहे या त्रुटिवश कार्य होना, यह समझ से परे है। बुरहानपुर से नौशाद मुल्की रिपोर्ट।